बीबी के साथ बदलते भारत की शान। को नजरअंदाज करते हैं। माना कि आप लोग रिया को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की नजरों में रिया एक अपाहिज है। पर मुझे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने क्यों नहीं दिया? आपकी बेटी स्नेहा को एमएससी कंप्लीट करने क्यों नहीं दिया? आप लोगों की नजरों में लड़कियों की कोई भी इज्जत नहीं है। अरे बस करो, इतना सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी एक रिटायर्ड टीचर हूँ, सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। आप बुरा मत मानना पिताजी, आप चाहे जितना भी ज्ञानी ना हो, लेकिन आपका ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है। नंदिनी, अपने हद में रहो, जुबान संभाल के बात करो। आप लोग नारी को अपने पैरों की धूल समझते हैं, हमेशा उनको दबा के रखना चाहते हैं। नंदिनी, तुम अपने हद से बाहर जा रही हो। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं सब जानती हूँ पिताजी। ऋषभ ने मुझे पीएचडी करने नहीं दिया, सोचा कि मैं उनसे आगे निकल जाऊंगी। और आप माँ जी, आप अपने बेटी और मुझे उच्च शिक्षा लेने में सपोर्ट क्यों नहीं किया? कम से कम अपने पोती के बारे में तो सोचिए। आप लोगों को मुझे सिखाना पड़ रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। नंदिनी, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्त भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों पे उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्त भरी अंकी। माँ बैठो ना, तुमने मुझे बोला था ना कि इस बार जूनियर असम आइडल पे भेजोगे? हारिया, तुम जरूर जाओगी, मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगी। माँ एक गाना गाओ ना, तुम तो यूनिवर्सिटी में बेस्ट सिंगर थी। अभी नहीं रिया, अभी मूड नहीं है। मेरा कहना कोई भी नहीं सुनता, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सिखा दी हूँ। दिल है छोटा सा, दिल छोटी सी आशा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा। भाभी, अरे स्नेहा, बहुत दिनों के बाद, आओ आओ बैठो। क्या हुआ, आजकल तुम आती ही नहीं हो? घर आने को दिल ही नहीं करता, फिर भी आती हूँ। जब से मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया था, तब से मेरा दिल ही टूट गया। और बताओ, ऋषभ भैया ने रिया के एडमिशन के बारे में क्या कहा है? उनके बारे में ना ही पूछो तो ठीक होगा। रिया के एडमिशन के बारे में तो छोड़ो, वो लोग तो रिया के साथ ठीक तरह से बात भी नहीं करते। लेकिन क्यों भाभी? पहली बात ये है कि मैं और कभी माँ नहीं बन सकती। ऊपर से घर में हर किसी को लड़का ही चाहिए, जो मैं अभी नहीं दे सकती। और रिया की हालत तो तुम जानती ही हो, उसमें भला रिया की क्या गलती है? मुझे समझ में नहीं आता कि ऋषभ भैया ऐसा क्यों है, उसने तो बाहर रहकर पढ़ाई की है। बाहर रह के पढ़ने से या डिग्री लेने से कोई आदमी एडुकेटेड नहीं हो जाता है।
और ऋषभ सोचता है कि मैंने अपने मर्जी से रिया को जन्म नहीं दिया है, जिसके कारण स्ट्रेस लेने की वजह से सेरेब्रल पैरालिसिस जैसे बीमार रिया को हुआ है। लेकिन ऋषभ गलत है, मैंने तो अपने मर्जी से ही रिया को जन्म दिया था। असल में भैया रिया के जरिए तुम्हें डूब देना चाहता है। तुम शायद ठीक ही कह रही हो, वो सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम सुखी तो हो ना? मुझे कोई इस बारे में पूछने से अपने माता पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। स्नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? हमने क्या किया? मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया और अब पूछते हो कि हमने क्या किया? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हमने जो भी किया तुम्हारे भलाई के लिए ही किया ना। इतने अमीर लड़के से तुम्हारी शादी करवाई है, जहाँ इतना बड़ा घर है, गाड़ी, नौकर चाकर, पैसा रुपया सब कुछ तो है ना, किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अरे पगली, यही तो सुख है, और क्या चाहिए तुम्हें? रुपया, पैसा, गाड़ी, मोटर, नौकर चाकर, ये सब सुख का आधार नहीं हो सकता माँ। मैं तुम्हारी तरह मेटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। मेरा पति अमीर जरूर है पर उनका दिल बहुत गरीब है। मुझे देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। उस घर में मेरा दम घुटता है, मैं सांस भी नहीं ले सकती हूँ माँ। स्नेहा, अपने आप को संभालो। मेरे पति को आज तक पता ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। उन्हें सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए। माँ, मैं तुम्हें विनती करती हूँ, मेरा साथ जो किया सो किया, पर रिया के साथ ऐसा मत करना। उसके सपनों को साकार करो प्लीज। स्नेहा, अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो मेरे कमरे में थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अपने माता पिता से कैसे बात करनी है अपने प्यारी भाभी से ही सीख लो। बढ़िया ही बात करने वाली। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तुम मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है? इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नंदिनी, हाँ? क्या हुआ? मैं तब से नोटिस कर रही हूँ, तुझे क्या इतनी तकलीफ है? अब तुझे क्या कहूँ माला, आज स्नेहा घर आई थी और हर बार की तरह आज भी माजी के साथ स्नेहा की झगड़ा हो गई। मन बहुत खराब है। लेकिन वो झगड़ा क्यों करती है? अब तुझे कैसे बोलूं? स्नेहा भी मेरी तरह बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन हमारे घर वाले उसकी एक भी नहीं सुनी। स्नेहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भाभी, मैं हजार बार कह चुकी हूँ कि MSc किए बिना मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन माता पिता जी को देखिए, मेरे शादी के पीछे पड़े हुए हैं। अगले संडे लड़के वाले आएंगे, तुम कुछ करो ना भाभी। तुम रोना बंद करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हाँ भाभी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तुम MSc जरूर करोगी, मैं तुम्हारे साथ अन्याय होने नहीं दूंगी। अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे भैया के साथ बात करती हूँ, ठीक है? ऋषभ, तुम लोग ये स्नेहा के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, वो आगे पढ़ना चाहती है, तुम लोग उसे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम तो समझदार हो, माँ पिताजी को तुम समझाओ ना।
सुनो, माँ और पिताजी की उम्र हो चुकी है, कब क्या हो जाए किसको पता। ऊपर से मैं भी 3-4 सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके स्नेहा की शादी करना ही बेहतर होगा। कम से कम एक बोझ भी कम हो जाएगा। तुम लोग लड़कियों को घर का बोझ क्यों समझते हो? एक बार स्नेहा से तो पूछो वो क्या चाहती है। तुम्हारी ये बेकार की बातें अपने ही पास रखो। हम लोग स्नेहा के घर बसाना चाहते हैं, ये तो सबका धर्म है। हाँ, अगर स्नेहा एमएससी करना चाहती है तो शादी के बाद भी कर सकती है। शादी के बाद पढ़ाई, जैसे कि तुमने मुझे करने दिया है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? बिल्कुल ही साफ और सिंपल सी बात है, तुमने जैसे मुझे शादी के बाद पढ़ाई करने नहीं दिया, वैसे ही अगर स्नेहा के पति ने भी उसको नहीं दिया तो। फिजूल की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। क्यों, सच बात चुभती है क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, स्नेहा की शादी जरूर होगी और हमें अपना काम करने दो बस। तुम लोग सब सेल्फिश हो, सेल्फिश। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था। बैठो। देखो स्नेहा बेटा, संडे को लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। इन बेकार की बातों में अपना भविष्य खराब मत करो। अरे बहुत ही अच्छा लड़का है और अमीर भी। तुम तो रानी बनकर रहोगी। मुझे रानी नहीं बनना है पिताजी, मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। सपना 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 है? क्या है तुम्हारा सपना? अरे सपनों के पीछे भागोगी तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये सब तुम्हें नंदिनी ने सिखाया है ना? अरे उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। भाभी को बीच में मत लाइए, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। स्नेहा, देखो बेटा, और अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या कहा? आखिरी फैसला? आखिरी फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। और मेरा फैसला ये है, तुम्हारी शादी होकर रहेगी, इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मैंने माँ पिताजी को भी समझाने की बहुत कोशिश की थी। पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। पिताजी, एक बार फिर से सोचिए, स्नेहा के सपनों को ऐसे पैरों तले मत कुछ लिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए पिताजी। देखो नंदिनी, स्नेहा हमारी बेटी है, हम उसका दुश्मन नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं स्नेहा की भलाई के लिए कर रहे हैं। और तुम उसका दिमाग खराब मत करो, बल्कि उसे शादी के लिए राजी करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। प्लीज माँ जी, आप तो एक औरत है, कम से कम आप तो स्नेहा की बात को समझिए। नंदिनी, अपने हद में रहो। तुम्हें क्या लगा मैं ना समझ हूँ? स्नेहा की शादी अमीर घराने में होते हुए देखकर तुम्हें जलन हो रही है ना? जी माँ जी जी, ऐसे तो मत बोलिए, आप इतने नैरो माइंडेड हैं, ये मुझे आज मालूम हुआ। नंदिनी, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, ये शादी आराम से हो जाने दो। तुम स्नेहा को भड़काने की कोशिश मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज पिताजी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। बहस मत करो और ये उल्टी सीधी बातें करके मेरा वक्त जाया मत करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, चलो। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं स्नेहा की कोई भी मदद नहीं कर पाई। नंदिनी,
अभी टाइम खत्म नहीं हुआ। देख, तेरे घर की पुरुषों के अत्याचार से तुझे निकलना ही होगा। क्या? हाँ माला, ये तो क्या कह रही है। मैं सच बोल रही हूँ नंदिनी। आज देख, तू अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाई, स्नेहा के लिए भी कुछ नहीं कर पाई। अपने बेटे के बारे में तो सोच, उसके भविष्य के बारे में भी तो सोच। नहीं माला, तू ठीक कह रही है। मैं जरूर लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मैं रिया को जरूर पढ़ाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ माला, मैं जरूर रिया को पढ़ाऊंगी। ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक गांव में एक राजा और एक रानी थी, और उन दोनों के दो प्यारी सी बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और उन दोनों को गाने का बहुत शौक था, और दोनों मिलकर इतना सब। हाँ बोलो। हाँ सुनो, मैं परसों घर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आना। माँ, पापा का फोन है क्या? हाँ पापा परसों घर आ रहे हैं। मुझे भी दो ना। ऋषभ, रिया तुमसे बात करना चाहती है। ठीक है, जल्दी दो। पापा तुम जल्दी से घर आना, मैं तुम्हारे साथ बहुत खेलूंगी। मुझे बहुत काम है, जो कहना है जल्दी कहो। पापा तुम मेरे लिए क्या लाओगे? पता नहीं, देख लेता हूँ। तुम मेरे लिए एक बड़ा सा बर्बी डॉल लेके आना, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकर आऊंगा, अभी रखता हूँ। पापा, पापा, ये पापा भी ना हर बार फोन कर देते हैं। तुम्हारी पापा बहुत बिजी है रिया, बहुत बड़ी नौकरी करते हैं ना। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। ए दिले बेकरार, तू ही बता मुझे क्या हुआ। You have a very nice voice. तुम बहुत मीठा गाती हो। तुम कब आए? Anyway, thanks for your compliment. आज बहुत दिनों के बाद तुमने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला है। लेकिन ज्ञानी लोगों ने कहा है कि अगर पुरुष कभी किसी के बारे में अच्छा कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो राज जरूर छुपा होता है। तुम भी ना, भला इसमें मेरा क्या राज होगा? क्या बोलती हो? अरे सुनो ना, आज मेरा पासपोर्ट का काम पूरा हो गया है। क्या तुम पासपोर्ट बना रहे हो और मुझे बताया तक भी नहीं? मेरा पासपोर्ट का क्या हुआ? तुम पासपोर्ट लेके क्या करोगे? देखो मैं अभी मजाक के मूड पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पासपोर्ट की क्या जरूरत है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि कोलंबिया सिर्फ मैं जाऊँगा और तुम यहाँ माँ और पिताजी के साथ रहोगी। अगर हम दोनों ही चले गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? ऋषभ, मुझे बहुत मेहनत के बाद ये मौका मिला है, और ये मेरा सपना भी है। मुझे मेरे सपने पूरे करने ही होंगे, तुम तो समझते हो ना। मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा। तुमने तो मेरे पिताजी को वचन दिया था ना कि तुम हर हालत में मेरा सपना पूरा करोगे। अब क्या हुआ ऋषभ? तुम भी ना नंदिनी, किन पुरानी बातों को लेकर बैठ गई? तुम्हारे पिताजी गुजर गए हैं, अब तुम ही बताओ
जो गुजर गए हैं उनके बारे में सोचे या जो जीवित हैं उनके बारे में। माँ और पिताजी मेरे साथ हैं तो हमें उनकी फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। मैं माँ और पिताजी को बोल चुका हूँ कि तुम उन लोगों के साथ रहोगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है ऋषभ, बहुत बड़ा धोखा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कुछ करोगे। क्यों ऐसा किया ऋषभ, क्यों क्यों मेरे साथ धोखा किया? आखिर क्यों मेरे पिताजी का आखिरी इच्छा पूरा नहीं किया? क्यों ऋषभ, क्यों क्यों क्यों? नंदिनी, 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 नंदिनी! मुबारक हो नंदिनी, आप माँ बनने वाली है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर ऋषभ। थैंक यू। अच्छा ठीक है ऋषभ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आपको समय पर देना होगा। जरूर। ए, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। रुको, और सुनो, आज से कुछ भी टेंशन मत लेना, हमेशा खुश रहना। कोलंबिया जाना, वहां पढ़ना जैसी बातों को सोचकर अपना मन खराब मत करना। अभी तुम आराम करो, मैं आता हूं। ओके। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे ऋषभ, तुम आ गए? हाँ। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। रिया क्यों रो रही हो? अरे रिया, आखिर बात क्या है? बताओ तो, अपनी मम्मी को भी नहीं बताओगी? पापा ने मेरे लिए बार्बी डॉल नहीं लाया, पापा मुझे प्यार ही नहीं करते। क्या नहीं लाए? इतना कहने के बाद भी? ऋषभ, तुमने रिया के लिए बार्बी डॉल क्यों नहीं लाया? भूल गया, बाद में ला कर दूंगा। आप झूठ बोलते हो पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते। इसमें रोने की क्या बात है? बोला ना भूल गया, लेकर आऊंगा। अभी चुप रहो। तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है? कैसे बाप हो तुम? कम से कम बेटी की एक छोटी सी फरमाइश तो पूरी कर सकते हो। अब तुम शुरू हो गई। तुम्हारा रवैया देख के तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज तक तो तुमने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं की है, कम से कम अपनी बेटी के साथ तो ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं की? वही सब बातें मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। तुम शायद अपने मरहूम बाप की आखिरी इच्छा यानी तुम्हें डॉक्टरेट बनाना, जिसका ठेका मुझे दिया था, उसी की बात कर रही हो ना? हाउ नॉनसेंस यू आर। मेरे सामने अंग्रेजी मत बोलना। और चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कौन सा झूठ कहा है? पापा तुम मम्मी से गुस्सा मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चुप! तुम सिर्फ धोखेबाजी नहीं हो, एक खुदगर्ज इंसान भी हो। नंदिनी! रिया को माँ के पेट में मरने के लिए जितनी ही दवाई दी थी ना,
एक भी काम नहीं आया। उन दवाइयों की वजह से अजरिया की यह हालत है। अब क्या करें? हमारी तो किस्मत ही खराब है। क्या सोचा था और क्या हो गया? नंदिनी,